हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। एंड उम्मीद आप सब अच्छे हैं। एंड गाइस, अब तक हमारे इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने 12 केस स्टडीज कवर कर ली हैं। अब गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 टू 17 नेक्स्ट 5 केस स्टडीज लाइक केस सिनेरियोस ऑफ आईसीएआई एमसीक्यू बुकलेट फॉर आईडीटी सब्जेक्ट। तो गाइस, अब टाइम आ चुका है सीरियस होने का, अपनी स्टडीज को लेके अपना डिसिप्लिन सेट करने का। एंड क्योंकि अब आईसीएआई ने डेट शीट रिलीज कर दी है, तो आपको अपना प्लानर होना चाहिए अकॉर्डिंगली। आपके पास अब 115 डेज है, ठीक है। और मैंने आपको एक 90 डेज प्लानिंग की वीडियो शेयर की हुई है। उसके अलावा आपके पास जो 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, तो आप उनको मॉक टेस्ट और आपके जो भी टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट पास्ट ईयर एग्जामिनेशन एंड ऑल यू कैन कवर ऑल्सो, ठीक है। और 90 डेज प्लानर में भी कुछ छूट जाए तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, आपके पास टाइम है अब, बट यू शुड बी सीरियस, ठीक है गाइस। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नंबर केस सिनेरियो नंबर 13 से। केस सिनेरियो नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, XLL XYZ लॉजिस्टिक लिमिटेड इज इनटू वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बिजनेस। इट हैज टू ICD, टू CFS, वन ICD दादरी एंड अनदर इज एट उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश एंड अदर वन इज एट तुगलकाबाद न्यू दिल्ली, तुगलकाबाद दिल्ली। चलिए गाइस, शुरू करते हैं केस सिनेरियो नंबर 13। XXL लिमिटेड इज इनटू वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बिजनेस। इट हैज टू कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ठीक है। वन इज इनलैंड कंटेनर डिपो दादरी उत्तर प्रदेश एंड अनदर इज ICD तुगलकाबाद न्यू तुगलकाबाद दिल्ली। XXL इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इंटरमिटेंटली XYZ ऑल्सो डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स primarily in export to countries outside India, ठीक है जी। ये काम करते हैं, ठीक है। इनके दो CFS है, एक ICD दादरी में है एंड दूसरा है ICD तुगलकाबाद, ठीक है। और एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, ट्रेड फॉरवर्डिंग इन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। XLL started its operation in 30th June, ठीक है। 30 जून को स्टार्ट किया था भाई, सेटिंग हेड ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस इन गुड़गांव, ठीक है, हरियाणा में हेड ऑफिस है। टू CFS दिल्ली एंड UP। सर्विसेज आर वेल एज इनवॉइसिंग टू कस्टमर वाज डन फ्रॉम दिल्ली एंड UP यूनिट ओनली, ठीक है। तो सर्विसेज कहाँ से होती है, UP और दिल्ली से। टॉप मैनेजमेंट वाज प्लेस्ड एट द हेड ऑफिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XXL लिमिटेड एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस्ड 20 लाख। कब क्रॉस किया, 31st October, ठीक है जी। इट हैज अप्लाइड रजिस्ट्रेशन ऑन 25th November, ठीक है। 7 December को इनको ग्रांट हो गया GST इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑन 30th October। देखो, इस दिन इनको रिक्वायरमेंट पड़ गई थी, मतलब इस दिन इनको रिक्वायरमेंट पड़ी थी रजिस्ट्रेशन लेने की, और उससे लास्ट डेट पे जो भी होगा ना उसका हमें ITC मिल जाएगा अवेलेबल स्टॉक का। तो ये वाला होगा वो, अगर क्वेश्चन पूछता है तो देखते हैं, वरना ये आंसर होगा अगर पूछ रहा है कि कौन सा ITC अवेल कर सकते हैं स्टॉक का, तो एज ऑन 30th October, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 25th November वाज इतना था एंड दिसंबर को इतना था, बट इट इज इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि यही ITC है जो ले सकते हैं लास्ट डे ऑन द डेट ऑन विच ही ऑन द विच कंपनी बिकम लाइबल फॉर GST रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्रॉसिंग देयर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राइमरी बिजनेस ऑफ XLL इज हैंडलिंग सर्विसेज ऑफ कंटेनर हैंडलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंटेनर्स। इन जुलाई नेक्स्ट ईयर ए शिपर प्लेस्ड ए वर्क ऑर्डर ऑन XLL फॉर हैंडलिंग एंड एक्सपोर्ट कंटेनर फ्रॉम ICD तुगलकाबाद टू दुबई UAE थ्रू नाहवा शेवा सी पोर्ट इन मुंबई। XLL वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टफिंग गुड्स इन कंटेनर एट ICD, ठीक है। असिस्टिंग इन ऑब्टेनिंग कस्टमर क्लियरेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ICD टू सी पोर्ट।
XLL requested the customer to issue new e-waybill for the movement of custom sealed containers from ICD to seaport as the value of goods in container exceeded 50,000. ठीक है, ओके, इन्होंने क्या है कि न्यू e-waybill इशू करो. द कस्टमर डिनाइड इशूइंग e-waybill स्टेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू इज द ऑन द पर्सन हु अरेंजेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स. ओके, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया. Consequently, management of XLL issued e-waybill with assistance of a consultant. ठीक है. There is a green cess that is applicable on the goods handled through CFS for export outside India. ठीक है, green cess लगना था, green goods पे लग रहा था जो export होने वाले थे. XLL as a policy deposit green cess with the government in the name of customer. ठीक है, जो कस्टमर को डिपॉजिट करना था एंड रिकवर, फिर उससे रिकवर कर लेता है. तो यहाँ पे ये जो ये है XLL, ये एकदम प्योर एजेंट की जो कहते हैं भूमिका में नजर आई कि लाइक कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया. ठीक है, तो ये इसकी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा. ठीक है, तो क्योंकि इनका है ही नहीं ये, और इन्होंने जो ये था ग्रीन सेस ये रिकवर कर लिया एज इन्होंने प्योर एजेंट की तरह काम किया है, तो इनको इसको सप्लाई नहीं मानना है. इसकी सप्लाई वैल्यू में अगर आता है तो इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ये. चलिए आगे. फ्यू कस्टमर ऑफ XLL आर बेस्ड आउट ऑफ नेपाल एंड भूटान. ठीक है, इट प्रोवाइड कंटेनर हैंडलिंग सर्विस फॉर द कंटेनर कार्गो इन ट्रांजिट टू नेपाल और भूटान. इट रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम नेपाल. ठीक है, INR में रिसीव करते हैं ये कंसिडरेशन नेपाल भूटान से. नेपाल एंड भूटान के लिए जो ये होता है, वैसे ये एग्जम्प्ट सप्लाईज है. All the above amounts are exclusive of GST where applicable, subject to the information given above. ठीक है, assume that all other services conditions necessary for availing ITC has been availed. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आ गए हमारे. तो ये एक केस स्टडी, केस सिनेरियो जो हमने पढ़ा है. ठीक है, समराइज करें तो XYZ XLL लिमिटेड कंपनी है जो एक्सपोर्ट की बिजनेस में है. ठीक है, रजिस्टर्ड है गुड़गांव हरियाणा में, दिल्ली UP यूनिट में से भी वो इन्वॉइसिंग करते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर हो गया था 20 लाख का ऑन 31st अक्टूबर. ठीक है, 25th नवंबर को इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 7th को मिल गया. तो ITC कब का मिल जाएगा इनको? 50 लाख का. ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्राइमरी बिजनेस इनका कंटेनिंग हैंडलिंग सर्विसेज है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत था. ठीक है, सी पोर्ट के लिए इन्होंने e-waybill मांगा था. e-waybill कस्टमर बोलता है कि ट्रांसपोर्ट अरेंज करने वाले को देना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कंसल्टेंट से ये इशू करवा लिया था. देर इज अ ग्रीन सेस दैट इज एप्लीकेबल ऑन द गुड्स. ठीक है, ग्रीन सेस जो एप्लीकेबल था वो रिइंबर्स मिल गया इन्होंने पे कर दिया, बट कस्टमर से इनको रिइंबर्समेंट मिल गया उसका. ठीक है, तो ये इस पे ये सप्लाई के पार्ट में नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ कस्टमर इनके नेपाल और भूटान के थे, वहाँ पे जो भी हैंडलिंग कार्गो ट्रांजिट सर्विसेज होती है उस पे एग्जम्प्ट सप्लाईज होती है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बताया, बस ये अभी तक पूछा है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए इन्होंने इसके बेस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है 13.1 में, विच इज करेक्ट रजिस्ट्रेशन विच इज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ITC ऑन ओपनिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन. तो देखो XLL कितना ले सकता है, देखो अपने पढ़ा था ऊपर ही जो 31st अक्टूबर को था 50 लाख का, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो 50 लाख एक दिन पहले, जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस होता है उससे जस्ट एक दिन पहले जो भी स्टॉक है ना आपका, वो आप ITC क्लेम कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे. अगला पॉइंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग GST रजिस्ट्रेशन बाय XLL. XLL वाज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिट ओनली, नहीं, लाइबल फॉर दिल्ली एंड UP यूनिट्स. XLL वाज लाइबल फॉर, देखो जहाँ जहाँ से भी बिजनेस कर रहे हैं, इनवॉइस इशू कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो दिल्ली UP और हरियाणा में तो मेन हेड ऑफिस ही है उनका, और दिल्ली UP से इनवॉइसिंग करते हैं, तो तीनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सी पॉइंट इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ e-waybill फॉर मूवमेंट फ्रॉम ICD तुकलकाबाद टू न्यू नावा सेवा सीपोर्ट इन मुंबई. ICD तुकलकाबाद टू सीपोर्ट अगर जा रहा है गुड्स, तो इन्होंने क्या बोला, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमको. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस. e-waybill was not required to be generated since goods were being transported from ICD to sea. ठीक है, e-waybill की requirement ही नहीं है पहले तो. ठीक है, ये line, you are mandatory to be required to be generated irrespective of the value of goods. नहीं, ये नहीं है.
bus dependence is the value नहीं, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया आईसीडी तुकलकाबाद टू नेवा शेवा सी पोर्ट भेजा है, तो सी पोर्ट जाने के लिए आईसी इसको ई वे विल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है जनरेशन की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13.4, इसमें बता रहा है करेक्ट रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्लेक्सिबल कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज शुड एक्सक्लूड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज। नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होती है, ये तो गलत है, तो ये आंसर गलत है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वैल्यू शुड इंक्लूड एक्सक्लूड ग्रीन सेल्स बट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ ये ठीक है, मैंने बताया ना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट रिमबर्स किया एज प्योर एजेंट का केस मान सकते हो जो किया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट सही है। उसके बाद क्या लिखा है, शुड एक्सक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बट ये तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हमेशा आती है। और ये क्या है, हैंडलिंग शुड इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, नहीं दोनों नहीं आएंगे, तो बी पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 13.5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनवॉइसिंग टू नेपाल एंड भूटान। ये एग्जाम सप्लाई जो होती है, जीएसटी इज नॉट चार्जेबल कंज्यूमर सर्विसेज एज द सप्लाई ऑफ प्लेस आउटसाइड इंडिया। नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। उसके बाद क्या था, जीएसटी इज नॉट चार्जेबल कंटेनर हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडिंग टू नेपाल भूटान कस्टमर्स एज द सेम क्वालिफाइड एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई। नहीं, इसमें भी नहीं होगा, GST is not payable on container handling services to Nepal Bhutan customers as a supply of services associated with transit coral. हाँ, ये this is the correct option. Nepal Bhutan के लिए कोई भी transit services है तो exempt services में आती है, तो इस पर GST charge नहीं होगा। C point is correct. चलो हमारे answer match कर लेते हैं एक बार। 13 का हमारा A आया था, ठीक है, 13.2 का हमारा C था, इसमें भी A था, be not required to be generated, and fourth point हमारा था, ठीक है, एक्सक्लूड ग्रीन कॉस्ट होगा, ग्रीन सेल्स होगा, एंड जीएसटी एग्जाम सर्विसेज। ठीक है, हमारा सभी यहाँ पे क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो हमारा 13th केस सिनेरियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस सिनेरियो पे। ठीक है, नेक्स्ट केस सिनेरियो इज अवर 14th केस सिनेरियो। तो मिस्टर महेश एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, टेक्सटाइल बिजनेस में गुजरात में। ठीक है, ही वांट्स टू सप्लाई ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन, सो ही अवेल डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम मनोज, मिस्टर मनोज, ग्रैंड फादर ऑफ मिस्टर महेश। महेश अपने ग्रैंड फादर से सर्विसेज ले रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, इन्होंने और सर्विसेज ली हैं फ्रॉम मुरली, मुरली इनका भाई है इन लंडन। ठीक है, फॉर 2 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, मिस्टर मनीष रेप्यूटेड फ्रीलांस टेक्सटाइल डिजाइनर, तो ये फ्रीलांसर टेक्सटाइल डिजाइनर है इन साउथ अफ्रीका, एंड मिस्टर मुरली है आर्किटेक्टर, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंडेंट है मिस्टर महेश कोई भी, और इन्होंने इन्होंने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली है फॉर 2 लाख रुपीज फॉर इज पर्सनल पर्सन। ये हो गई टैक्सेबल सप्लाई हमारी जो इन्होंने सर्विसेज ली है। ठीक है, और दूसरा क्या इन्होंने क्या किया था, ही अवेल्ड डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम ग्रैंड फादर से जो सर्विस लिए विदाउट कंसिडरेशन लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एज पर द ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन ही नीड्स टू परचेज एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिक जिगजैग स्विंग मशीन। ठीक है, ऑन 3rd May मिस्टर महेश रेज्ड परचेज ऑर्डर फॉर स्विंग मशीन ऑन उषा प्राइवेट लिमिटेड। उषा प्राइवेट लिमिटेड एक जो कंपनी है जो प्रोवाइड कर आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, वो प्रोवाइड करेगी ये मशीन जिन्होंने इसको परचेज ऑर्डर इशू किया है, ये जिग जैग इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन। ठीक है, फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ की वैल्यू है। रेट्स ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन किए उनके रेट्स ये हैं, 6 जून को था, 15 जून को था, और 3rd और 9th को चेंज हो गया रेट, ये रेट चेंज है और ये रेट सेम था। ठीक है, द रेट हैज बीन चेंज्ड, 1 अगस्त को चेंज हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑनवर्ड्स मिस्टर महेश इंटेंड टू प्रोवाइड एंसिलरी सर्विसेज फ्रॉम रिलेटिंग टू टेक्सटाइल लाइक डाइंग डिजाइनिंग एंड ऑल्सो इंटेंड्स टू अवेल द कंपोजिशन स्कीम। द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एंड जीएसटी पेबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर एंड बजटेड फिगर्स आर एज फॉलोज। देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल सप्लाईज ये हैं, ठीक है, जीएसटी नहीं आया है, और ये नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में होगा, बजटेड है ये,
अब की बार ये एग्जाम सप्लाई थी, ये नेक्स्ट में होगी। ये देखो IGST, इन्होंने IGST सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसको विश है कि कंपोजिशन स्कीम लेनी है नेक्स्ट ईयर, तो वैसे ही नहीं ले पाएगा क्योंकि IGST सप्लाई करने के बाद तो आपको कंपोजिशन वैसे ही नहीं मिलती, चाहे आपने 1 रुपये की हो। CGST दिया है इतना और इतना दिया है इन्होंने SGST, ठीक है। इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज 4 लाख, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है जी, मिस्टर महेश रिसीव्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस ऑफ 10 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस फ्रॉम XYZ लिमिटेड। ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, ठीक है, रजिस्टर्ड है दिल्ली में। इट इज रजिस्टर्ड GST इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट इंटेंड्स टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग सच क्लॉथ टू पीपल इन द सिटी ऑफ पोरबंदर, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इनके बर्थ, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, पोरबंदर। और मिस्टर महेश कहाँ के रजिस्टर्ड है, मिस्टर महेश गुजरात में रजिस्टर्ड है। मिस्टर महेश कहाँ पे रजिस्टर्ड है, एक मिनट हमने स्टार्टिंग में लिखा था, मिस्टर महेश रजिस्टर्ड है गुजरात में, ठीक है। बट जो ये कंपनी जिसने ऑर्डर किया है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, दिल्ली में, ठीक है। मिस्टर महेश सप्लाई द टर्म्स एंड गुड्स, तो ये बिल तो इस पे होगा जहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। प्लेस ये तो उन्होंने डिलीवरी वहाँ पे करवा दी पोरबंदर में, बट रजिस्टर्ड दिल्ली में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गया। और ये जो है मिस्टर सप्लायर जो है, लोकेशन उनकी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमारी केस सिनेरियो था जो भी था। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 14 to 14.4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन 14.1 क्या बोलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय मिस्टर महेश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 17, अंडर सेक्शन 7। तो देखो, डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर मनोज इन साउथ अफ्रीका विदाउट एनी कंसीडरेशन। देखो, मिस्टर मनोज इसके दादाजी है, ठीक है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो रिलेटेड में तब आते हैं जब उन पर डिपेंडेंट होते हैं, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये तो एक तो विदाउट एनी कंसीडरेशन है, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी से कब माना जाता है, जब एक तो वो रिलेटेड पार्टी से आए और प्लस में फर्दर इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ठीक है। तो दोनों ही में नहीं है, ये तो रिलेटेड में भी नहीं आएंगे क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी सप्लाई। अगली ट्रांजेक्शन जो है, आर्किटेक्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मुरली इन लंडन, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, बट ये क्या फॉर कंसिडरेशन है, ठीक है। और वेदर ये नॉट, अगर कंसिडरेशन आता है तो चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, दिस इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड इट इज ट्रीटेड सप्लाई, और वो जो ग्रैंड पेरेंट वाली सर्विस है वो नहीं मानी जाएगी बिकॉज वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक तो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होता है अगर रिलेटिव स्पेशली एक्सेप्ट स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो वो रिलेटेड यहाँ पे GST में काउंट नहीं होता फॉर सप्लाई डेफिनेशन, ठीक है, सप्लाई। और उसके बाद वो फर्दर कंसिडरेशन भी नहीं है उसमें, ठीक है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी मान ली जाती है अगर वो रिलेटेड और इंडिपेंडेंट होते हैं उन पर, पर डिपेंडेंट ही नहीं है तो ही नहीं मानी जाएगी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो चलिए आगे चलते हैं हम। डेट ऑफ पेमेंट सप्लाइड बाय द कुशा प्राइवेट लिमिटेड टू मिस्टर महेश, तो चलिए देखते हैं डेट ऑफ पेमेंट क्या होती है। डेट ऑफ पेमेंट होती है, डेट ऑफ पेमेंट बुक्स ऑफ एंट्री इन कुशा लिमिटेड और पेमेंट इन क्रेडिट इन बैंक ऑफ कुशा लिमिटेड विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर कौन सा है इनमें से, 3rd अगस्त, 3rd अगस्त शुड बी द आंसर। अकाउंट्स में क्रेडिट होने की और बुक्स और अकाउंट में एंट्री की, विच एवर इज अर्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14.3 क्या बोलता है, मिस्टर महेश इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, नहीं है, बट इज देखो एलिजिबल नहीं, ये देखने की जरूरत ही नहीं है हमको कोई भी इनमें से तीनों, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं है, उसने इंटरेस्टेड सप्लाई की हुई है, इंटरेस्टेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अमाउंट ऑफ 2 लाख फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड टीडीएस वट स्पेसिफाई द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 15(1), ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे एक पैर आया था हमारा पोरबंदर वाला में, तो इन्होंने क्या था, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी मिस्टर महेश एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई किया था इंडियन क्लॉथ्स का, जिसको वो दिल्ली से है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो है, ठीक है, वो दिल्ली की है एंड जो सप्लायर है वो गुजरात का है, तो जब ये दोनों सेम स्टेट में नहीं होते ना तो टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होता है, तो इसमें टीडीएस नहीं लगेगा, तो इट विल बी नील। लेट्स सी द आंसर, कौन सा नील ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नील। लेट्स चेक अवर आंसर्स, फर्स्ट में अपना बी आया था, ठीक है, जो ब्रदर से लिए 2 लाख की वो मानी जाएगी, सेकंड में 3 अगस्त, अपना 14.3 में अपना जो आंसर था वो था मिस्टर महेश नॉट एलिजिबल एंड 14(3) का आंसर है नील, ठीक है। तो हमारे चारों क्वेश्चन हो गए हैं इजीली, ठीक है, ये केस सिनेरियो छोटा सा था, क्वेश्चन कम थे, ठीक है, छोटा सा भी था, तो चलिए नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं, केस सिनेरियो नंबर 15, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 चलिए क्या है, कल्पवृक्ष आयरन ट्रेड KIT इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम एंड इज रजिस्टर्ड, ठीक है, विशाखापट्टनम में रजिस्टर्ड है KIT एंड ऑन 1st May रिसीव्ड एन ऑर्डर सप्लाई ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ आयरन बार्स टू 60 लाख, ठीक है, 60 लाख की पेमेंट, 60 लाख की ये सर्विसेज प्रोवाइड, ये गुड्स प्रोवाइड करने आयरन बार्स के इन टू प्राइवेट TMT प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है, ये भी हैदराबाद बट ये तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में और ये आंध्रा में, ये दोनों अलग अलग है। डिटेल्स ऑफ एडवांस पेमेंट इनवॉइस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड द टर्म्स ऑफ कंडीशन आर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ आयरन बार्स आर एज फॉलोज, द बायर हैज टू पे 7 लाख एज एडवांस टू द सप्लायर, ठीक है, एंड बैलेंस अमाउंट नीड्स टू बी पेड विद इन 25 डेज, ठीक है, 25 डेज में देना है बाकी का अमाउंट, ठीक है, 7 लाख जो एडवांस में देना है, सप्लायर विल बियर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अदर रिलेटेड चार्जेस, इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम देन बायर नीड्स टू पे पेनल चार्जेस, पेनल्टी लगेगी, कब, 25 दिन के बाद से, तो क्या पेनल्टी है, 25 दिन के बाद से, अगर 1 दिन से 10 दिन के बीच का लेट है, डिले है, तो पर डे 5000, 8000 पर डे, 10 दिन से ऊपर अगर डिले हो जाता है 25 दिन के बाद, 35 यानी कि 36 दिन का हो गया तो इतना लग जाएगा आपका 58,000, ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली वो स्लैब चल रहा है, इसको 10 दिन से मल्टीप्लाई करो 50 किया जाएगा और फिर वो एड ऑन होते जाएगा, ऐसे 21 से 30 दिन और मोर इतना हो जाएगा, ठीक है, तो ये दे दिया हमारे पेनल्टी चार्जेस जो लगेंगे अगर आपने 25 दिन में पेमेंट नहीं की तो, ठीक है, इफ द एंटायर अमाउंट एंटायर 100% पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज मेंशन्ड इन द बिलो टेबल रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर डिस्काउंट, अगर आपकी पेमेंट जो ये टाइम दिया इसके अंदर अंदर रिसीव हो गई तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, अब कितना मिलेगा देखते हैं, नंबर ऑफ डेज दिया है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड आफ्टर 15 नो डिस्काउंट, तो देखो अगर आपने 1 to 5 डेज में पेमेंट कर दी तो 15,000 का डिस्काउंट है, उसके बाद 10,000 का है, उसके बाद 8,000 का है, और 15th यानी कि 16th डे से लेके 16th to 25th, यहाँ पे ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई पेनल्टी है, और 26 डे से आपकी पेनल्टी लगेगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है आफ्टर 15 डे कोई डिस्काउंट नहीं मिलना है, ठीक है, और अगर आपने 25
पे भी नहीं की तो 26 डेज से आपकी पेनल्टी लगने वाली है, जो ऊपर वाले स्लैब में दी हुई है यहाँ पे 26 डे से यहाँ पे आपकी पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विद इन, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ डिटेल दी हुई है 2 मई को, क्या है TMT लिमिटेड पेड द स्टिपुलेटेड एडवांस टू KIIT। 5 मई को इन्होंने क्या किया है, इन्वॉइस इशू किया है। 10 मई को इन्होंने क्या है, 30% ऑफ द इन्वॉइस अमाउंट इज पेड। 14 मई को अनदर 20% एंड 18 मई को इन्होंने सारा अमाउंट पे किया है फिर। ठीक है जी, 2 मई को इन्होंने पहला एडवांस पे किया था। फर्स्ट मई को एंटर किए थे ना कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये दूसरी सर्विसेज आ गई। ठीक है, इतना तो हमारा एक बार ये सब मैटर पहले ही का है। ठीक है, अब आगे क्या है, ऑन 3 मई TMT प्राइवेट लिमिटेड है जो, अब उसने क्या है KIIT को रिक्वेस्ट किया डिलीवर आयरन रोल टू साक्षी आयरन स्टील्स XIS। ये कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा। इन्होंने कहा यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, डिलीवर कर दो इसको। ऑन 5 मई KIIT एंटर्ड इनटू कॉन्टैक्ट विद एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट्स GTA लोकेटेड इन रजिस्टर्ड अंडर GST अंडर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश चार्जिंग GST एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, फॉर डिलीवरी ऑफ आयरन बार्स एट भुवनेश्वर। ठीक है, द फ्रेट चार्जेस एंड लोडिंग चार्जेस ऑफ द डिलीवरी प्रोवाइडेड बाय GTA 150,000 और 5,000 एक्सक्लूसिव GST फॉर ये डिलीवरी सर्विसेज एंड लोडिंग चार्जेस। ठीक है, तो 1,50,000 ये हो गया, 60 लाख अबोव है तो अभी तक हमारा हो गया। ठीक है, 60 लाख प्लस में ये कितना हो गया, 1,55,000 यहाँ पे हो गया, 60 लाख का ऊपर था सर्विसेज का, सर्विसेज की वैल्यू है आ जाएगी फिर बाद में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। अब चलते हैं, आयरन बार्स आर रिमूव फ्रॉम द वेयर हाउस ऑन 6 मई एट रात को 12:15 पे इन्होंने क्या है 6 मई को निकाला है, ईवे बिल जनरेट किया है। द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर हाउस टू लोकेशन ऑफ SIS इज 455 km। तो ठीक है, पर 100 km जो होता है ना, पर 100 km ये एप्लीकेबल होता है पर डे के लिए जो वैलिड होता है ईवे बिल। ठीक है, पर डे 100 km और पार्ट ऑफ 100 km पर जी फैन भी बेकार चल रहा है। कितना 100 km और पार्ट ऑफ देयर ऑफ फॉर 1 डे। ये 5 डेज के लिए हो गया। ठीक है, 5 डेज के लिए वैलिड रहेगा ईवे बिल। पेयर द फ्रेट चार्जेस टू द ट्रांसपोर्टर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स इफ द बायर रिसीव्स एनी डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर ही विल रिवर्स द प्रोपोर्शनेट ITC अवेल एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, आयरन बार्स आर नॉट ओवर डायमेंशियल कार्गो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स इन द गिवन केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अप टू 5.1 to 5.6 15.6 15.1 to 15.6। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहाँ पे, तो चलिए 6 क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन्होंने क्या किया है बताना है हमें, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट सप्लाईज। एक तो है KIIT एंड TMT, दूसरा है TMT एंड SIS। ओके, चलिए देखते हैं KIIT एंड TMT। ठीक है, स्टार्टिंग में था KIIT एंड TMT का। तो KIIT कहाँ पे, विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में कौन लोकेटेड है KIIT एंड TIIT कहाँ लोकेटेड है, TMT लोकेटेड है तेलंगाना हैदराबाद। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो ये हो गई ना जहाँ पे सप्लाई की गई है, हैदराबाद जहाँ पे रजिस्टर्ड है TMT। तो फर्स्ट में तो हो गई हमारी हैदराबाद आंसर, हैदराबाद। और दूसरा था TMT एंड SIS। TMT एंड SIS का पढ़ते हैं, जो पहला था रिक्वेस्टेड किया है टू डिलीवर द आयरन रोड लोकेटेड इन द SIS इन द स्मॉल एजेंट। तो SIS KIIT को कहाँ डिलीवर कराना है,
सख्ती SIS में, ठीक है, सख्ती आयरन एंड स्टील्स में। तो सेकेंड का जो टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, जहाँ पे ये सख्ती आयरन रोड ये लोकेटेड है, ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, भुवनेश्वर। तो सेकेंड वाली जो हमारी थी उनका क्या हो गया TMD, और इसमें तो हो गया भुवनेश्वर और इसमें हो गया हैदराबाद, हैदराबाद एंड भुवनेश्वर, कौन सा ऑप्शन है, भुवनेश्वर हैदराबाद, हैदराबाद फर्स्ट वाली का है हैदराबाद, सेकेंड का है भुवनेश्वर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा सी, ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा जहाँ पे वो डिलीवर हुआ है, जहाँ पे वो फर्स्ट वाले में तो वो जो रजिस्टर था, सेकंड में वो डिलीवर किया है जहाँ पे भुवनेश्वर, वो TMD एंड SIS के बीच में है। अब चलते हैं आगे, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन KIT एंड TMD, KIT एंड TMD में देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ सप्लाई, गुड्स की सप्लाई है ना, तो गुड्स की सप्लाई में नोटिफिकेशन नंबर जो 66 है, ठीक है, वो क्या बोलता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस ऑन विच डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड, ठीक है, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू इशूड। तो सबसे पहले देखते हैं इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट है हमारे 5th May एंड उसके बाद ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन 14th May हो गया, इनवॉइस अमाउंट इज पेड, बैलेंस पेमेंट आ गई यहाँ पे, तो उसके बाद इनवॉइस का कुछ दिया नहीं था, 5th May इनवॉइस इशूड और विच अवॉइस अर्लियर। तो सेकेंड डेट हमारे पास है ही नहीं, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी इशूड, तो फिर हम अज्यूम करते हैं यही है, क्योंकि बिकॉज सेकेंड डेट है ही नहीं, तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ये 5th May, क्योंकि एक ही दिया डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस इज टू बी इशूड विच अवॉइस अर्लियर, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर KIT एंड TMD विल बी 5th May बिकॉज दी नहीं है सेकेंड डेट, तो ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए आई थिंक इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय KIT टू TMD, चलो देखते हैं। सिक्सटी लैक्स फर्स्ट में मैं एंट्री किया 60 लैक्स, तो ये हो गया, प्लस में 7 लैक बाय एडवांस देखा और 25 दिन में उसको पेमेंट करनी थी, ठीक है, और इन्होंने पेमेंट करा है तो इनको क्या लगेगा, हाँ तो इनको 5th May को इनवॉइस इशू हुआ था ना, और इन्होंने फाइनल पेमेंट कब किया, 18th को, तो इन्होंने गैप कितना डाला है, 13 दिन का, तो मई से लेके इन्होंने बाकी की जो पेमेंट करी है वो कर दी इन्होंने 13 दिन के अंदर, 13 दिन में अगर पेमेंट करते हैं तो कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड है, 8,000 11 से 13 दिन में, ठीक है। तो इन्होंने 5 पे इनवॉइस इशू हुआ है, 18 को पेमेंट करी है, तो 13 डेज में कर दी, तो 8,000 तो डिस्काउंट मिल गया इनको, ठीक है, 60 लैक्स का ऊपर था हमारा वैल्यू, ठीक है, प्लस में 155,000 नीचे, चलिए कैसा आ रहा है आज, सिक्सटी लैक्स प्लस में 150,000 प्लस में 5,000 नीचे डिलीवरी चार्जेस एंड ये माइनस में हमारा 8,000 का डिस्काउंट, क्योंकि उन्होंने 13 डेज में पेमेंट कर दी, तो कितना हो जाएगा, 60 लाख प्लस में 60 लाख 55,000 माइनस 60 लाख 47,000, ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में है हमारे, तो हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है, एग्जैक्ट मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा, व्हाट विल द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल जनरेटेड बाय KIT ऑन 6th May, 6th May को जनरेट किया है उन्होंने, 12/15 पे किया था, मतलब 0015
तो अगर हम इसको देखें 5 days मान लो 40 किलोमीटर्स है ना, और ये कब किया था 6 मई को, 6 से 1 7th 7th 8th 9th 3 1 2 3 4th 11th 5th तो 11th क्रॉस करके, ठीक है, तो 11th और 12th तो ये नहीं अप टू 12 मिडनाइट ऑफ 12:15 मिडनाइट ऑफ 11th ऑफ 12th ये शुड बी द आंसर। 5 days हो गए ना, 45 किलोमीटर था ऊपर, तो पार्ट ऑफ मंथ को 100 और पार्ट ऑफ 100 का एक डे के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ई वे बिल फॉर 100 किलोमीटर। तो हमारा जो आंसर है इसका ये होना चाहिए, एक मिनट हो आंसर, एक मिनट इसका आंसर क्या है, सॉरी इसका आंसर, इसका आंसर वैलिड होना चाहिए 12th मिडनाइट ऑफ 11th टू 12th, मतलब रात के 12 बजे 11 तारीख को ये जो है इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ई वे बिल जो हमारे जनरेट किया है KIT और 6th 5th डे खत्म होते हैं 11 बजे, तो 11 और 12 के बीच में जो 12 बचेंगे 11 तारीख और 12 के बीच में उसको ये इसका ई वे बिल की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी 5 days में, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव केस सिनेरियो द एंटायर 100% पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट, ठीक है, फर्स्ट कहता है 3 जून को हो जाए, सेकंड कहता है 28 जून को हो जाए, थर्ड कहता है 20 जून को हो जाए। तो देखो एक चीज़ तो कॉमन रहने वाली है इन सब में, क्या 28th को हो जाए, चाहे 3 जून को हो जाए और चाहे हो जाए 20th जून, तो देखो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है 60 लाख सब में आएगा, प्लस में 155 लाख भी सब में आएगा, ठीक है, 151 तो ये तो सब में आएगा, 66,55,000 इतना तो सब में आएगा ही, ठीक है। ऊपर से हमें एडजस्टमेंट जो करनी है वो करनी है हमें सिर्फ इसकी डिस्काउंट की, तो चलो देखते हैं क्या है। पहले में क्या है, 3rd जून 28 मई एंड 50th जून 20th जून, और इसका इनवॉइस डेट क्या थी 5th मई, नहीं हाँ 5th मई था, मैंने ऊपर देखा था जब करते रहे 5th मई में अगर 25 डेज जो ऐड करते हैं तो कितना होता है 30th मई, और फिर उसके बाद 3 जून को पेमेंट हुई है, 30th मई से 3 जून कितने दिन हो गए 4 डेज, ठीक है, तो 4 डेज क्या पेनल्टी रेट था देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 to 10 डे का डिले होता है तो 5,000 पर डे, और यहाँ डिले कितने दिन का हुआ है 4 डेज का, तो 4 डेज के हिसाब से कितना डिले हो गया हमारा, तो 4 डेज का डिले है इनटू 5,000 ईच डे, तो ये हो गया हमारा 20,000, तो इसमें 20,000 ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारा आंसर आएगा 61,75,000। तो हमारा ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी किसमें है, देखो फर्स्ट में ही है वैसे तो, और किसी में है ही नहीं, आंसर तो हमारा वैसे मिल गया, फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं सिक्योरिटी के लिए हमारा टाइम है, वरना अगर टाइम कम है तो इसके अकॉर्डिंगली आप टिक कर दोगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि और किसी में यही नहीं आ रहा हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड में क्या किया इन्होंने, 5 मई से लेके 30th मई तक 25 डेज थे, तो इन्होंने विद इन 25 डेज पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे कोई इन्होंने पेनल्टी या डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट और पेनल्टी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा डन, ये आंसर देख लो सेकेंड ऑप्शन भी मिल गया तो आपका और श्योरिटी हो गया। लास्ट वाला भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाला है हमारा 20th जून को पेमेंट करिए इन्होंने
20th June यानी कि पूरे 21 दिन डिले, 20th June यानी कि 21 दिन डिले है। तो देखते हैं हमारे क्या चार्जेस हैं अगर इतना डिले करते हैं तो। ऊपर चलते हैं हम, 5th May को होनी चाहिए थी, इन्होंने किया 20th June यानी कि हमारे पूरे 21 दिन का डिले है। 21 दिन के डिले में क्या पेनल्टी है, 21 से 30 दिन का डिले होता है तो 130,000 प्लस में 10,000 फॉर वन डे, तो कितना हो गया 140,000। यहाँ पे ऐड हो जाएगा 140,000 फॉर 21 डे का डिले, तो ये हो जाएगा 62,95,000। तो ये हमारा थर्ड आंसर भी मैच कर गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये क्लियर हुआ। देखो क्या बोला था उन्होंने कि इसके बाद जितने भी दिन का डिले होगा उस पर पहले जो 10 दिन है वहाँ पे 5,000 पेनल्टी थी, 50,000, ठीक है। उसके बाद जो थे उसके बाद 8,000 पर डे थी, तो ये 80,000 50,000 130,000, ठीक है। और उसके बाद 10,000 पर डे तो प्लस 10,000, तो 21 दिन का डिले किया इन्होंने तो 140,000 का इनका पेनल्टी अमाउंट हो गया लास्ट क्वेश्चन लास्ट पॉइंट में। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है उम्मीद है, ठीक है। तो तीनों का अमाउंट ये बनेगा और आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी क्वेश्चन है या पाँच ही है, एक और है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, बट हु विल बी द लाइबल टू पे GST ऑन फ्राइट फ्रेट एंड लोडिंग चार्जेस charged on loading charges charged by freight and load charge export express transports, express transport में क्या है ये RCM में आया था तो KIT ही देगा इसका taxes पे, क्योंकि recipient है, recipient ही देता है RCM में। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आंसर मैच कर लेते हैं हमारे। फिफ्थ का फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, ओके, फोर्थ का डी, यही आया था एंड इसका ये और लास्ट वाले का KID। तो हमारे ये सभी आंसर मैच कर गए हैं, ठीक है। ये वाले का ये आया था, सेकंड का ये आया और थर्ड वाले का ये आंसर आया है। ये पेनल्टी अमाउंट है दोनों केसेस में। होप ये क्लियर आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया यहाँ पे, तो अब तक हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 2 क्वेश्चन और करने हैं हमको, ठीक है। तो चलिए गाइस हम सॉल्व करने वाले हैं 16th क्वेश्चन, 16th केस सिनेरियो। सुरक्षा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड ST लिमिटेड इज STPL इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 3rd अप्रैल इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु एंड कर्नाटका। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड एयर कंडीशनड contract based passenger transportation services at affordable prices. Passenger transportation services में है, mark the words, passenger transport services, ठीक है। The company obtains voluntary registration from under GST from 1st May. On 1st July the company purchased motor vehicles of various seating capacities as follows, ठीक है। सेटिंग कैपेसिटी है, नंबर ऑफ व्हीकल है, परचेज प्राइस है, रेट ऑफ GST है। 7% वाली में क्या है, इन्होंने 4 व्हीकल है, 9% वाले 3 व्हीकल है, 11% और 2। देखो जनरली हम 13 पैसेंजर वाली 13 सीटर देखते हैं उसमें ITC के लिए, बट यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, ये इरिस्पेक्टिव 2 persons, इट इज ऑल अलाउड हिम टू टेक ITC। वाई, बिकॉज इट्स इन द बिजनेस, मतलब इनकी जो बिजनेस है वो यही है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसी चीज़ का ही आगे सप्लाई कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इनको इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑल सभी पूरा इनकम जो भी ITC है वो अलाउ हो जाएगा, तो इनको ये चीज़ देखने की जरूरत है नहीं कितने पर्सन है, तो ऑल इज अलाउड। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई STPL एसोसिएटेड विद रूबा फॉर इनेंसिंग बिजनेस, एक रूबा लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इनके साथ ये एसोसिएट हुए हैं। अभी तक समझ में आया, STPL क्या है, एक कंपनी है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इनके लिए मोटर व्हीकल जो भी है सारा ITC
अलाउ हो जाएगा, बिकॉज ये फर्दर कोर्स में बिजनेस में यूज करें इस चीज का, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन कैपेसिटी, अब इन्होंने एक टाइप किया है रूबा लिमिटेड के साथ। रूबा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है। लाइक और कंपनी डेवलपमेंट एप्लीकेशन कॉल्ड रूबा थ्रू विच कस्टमर कैन एक्सेस द नियरेस्ट अवेलेबल मोटर व्हीकल्स कैब एंड अवेल द सर्विसेज। रूबा लिमिटेड कलेक्ट द कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर एंड रेमिट्स द सेम टू द प्रोवाइडर एंड आफ्टर रिटेनिंग द कमीशन चार्ज बाई इट और फॉर यूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। द डिटेल्स ऑफ फ्यू बुकिंग्स ऑफ STPML इन द मंथ ऑफ जुलाई आर एज फॉलोज। द बुकिंग्स आर ऑब्टेन्ड बाई STPL ऑन इट्स अकाउंट एंड नॉट थ्रू रूबा। तो देखो ये तो डायरेक्ट STPL ने लिया है और फिर रूबा के थ्रू लिया है। अब रूबा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर है, ECO एज लाइक ओला उबर, ठीक है। और कई बार ये खुद डायरेक्ट करते हैं और खुद कई बार रूबा के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने STPL ने हेल्प किया हुआ है सब, ठीक है। ये सारे उन्होंने खुद बुकिंग किए डायरेक्ट, जो भी है रूबा के थ्रू नहीं किया। आगे चलते हैं। द इनवॉइस इज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रेवल इमीडिएटली आफ्टर द कम्प्लीशन, ठीक है। अब क्या बोला है? डिटेल्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सप्लाइड बाई STPL थ्रू रूबा लिमिटेड एंड GST पेपर ऑन द सप्लाई इज एज फॉलो, ठीक है। ये सप्लाई कौन सी है? रूबा के थ्रू, तो ECO है ये, ठीक है। और ECO में क्या होता है? सेक्शन 95 RCM। तो इस पे जो है टैक्स कौन? ECO देता है। ये रिवर्स RCM में आ जाता है 95, ठीक है। और इसमें टैक्स जो देता है RCM रूबा लिमिटेड देगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो आगे क्या बोला गया? All amounts exclusive of GST, there is no other inward output supply for STPL in the relevant period apart from the aforementioned transaction subject to the information given above. Assume that all other conditions for availing ITC has been fulfilled. ठीक है, तो क्वेश्चन 1-5 सॉल्व करने हैं इसमें हमें, चलो ठीक है करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अमाउंट ऑफ ब्लॉक क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल परचेज फ्रॉम बाय STPL। हा हा हा, ब्लॉक क्रेडिट है कहाँ? ये तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में है तो इन्हें कुछ भी ब्लॉक्ड है ही नहीं, इन्हें सब ITC अवेल्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नील, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16.2 बोलते हैं अमाउंट ऑफ GST पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाई STPL ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाई इट थ्रू रूबा। बताओ STPL क्या कैश लेजर से अमाउंट पे करेगा जो सर्विसेज अप्लाई किए हैं रूबा लिमिटेड के थ्रू? तो रूबा लिमिटेड के थ्रू अगर उन्होंने सर्विसेज पे किए तो उस पर वो क्यों पे करेगा? रूबा लिमिटेड पे करेगा, तो नील, ठीक है, ये भी नील आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय रूबा लिमिटेड ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द मंथ्स ए जुलाई, देखो अब यहाँ पे रूबा लिमिटेड ने क्या RCM में है और RCM में अगर वो आते हैं तो उस पर TCS नहीं लगता है, तो TCS करने की जरूरत है नहीं इसमें, तो ये भी नील आएगा, ठीक है। द थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो नील। आगे चलते हैं। अब हमें निकालनी है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्डर्स 435, 534 एंड 987। तो चलो देखते हैं 435, 987, 534 एंड 987, 435, 987 और कौन सा था 534, ये तीनों का निकालना है ना। तो इसमें क्या होता है? देखो अगर रजिस्टर्ड है तो हम लेते हैं स्टार्ट, रजिस्टर्ड है तो लेते हैं रेजिडेंस ऑफ द कस्टमर प्लेस ऑफ सप्लाई, और नॉन रजिस्टर्ड है तो देखते हैं स्टार्टिंग सिटी, यानी कि जिस जहाँ से उसने फ्लाइट पकड़ी, जहाँ से उसकी बुकिंग है। तो देखो 435, 534 एंड 987। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो बेंगलोर, और ये रजिस्टर्ड है तो रेजिडेंस जहाँ इसका एड्रेस है हैदराबाद एंड
और यही भी नॉन रजिस्टर्ड है, तो ये भी ये हैदराबाद, तो बैंगलोर हैदराबाद हैदराबाद, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। बैंगलोर हैदराबाद हैदराबाद, ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैंगलोर हैदराबाद एंड हैदराबाद। ठीक है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, 4345534 9 8 7 में, बैंगलोर हैदराबाद हैदराबाद। ठीक है अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है 2347777001 के लिए। चलो बता देते हैं क्या बढ़िया है इसमें, इसमें हमारे आता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है तो चलिए टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढ लेते हैं इनका, तो एक तो हमारे से पूछा था 2347777 और 00, क्योंकि ये तीनों पहले पूछ चुके हैं, तो अब क्या हमसे तीनों पूछे हैं, ये और ये। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमें, डेट ऑफ पेमेंट दी हुई है, ठीक है डेट ऑफ ट्रेवल दी हुई है, बट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, डेट ऑफ ट्रेवल कंप्लीटेड इनवॉइस इज इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रेवल। ठीक है ऑन द डेट ऑफ ट्रेवल बोला है इन्होंने इशू इनवॉइस किया है, तो यही हम इनवॉइस मान के चलते हैं। ठीक है तो इनवॉइस हो गया ये, और कोई डेट दी नहीं है इन्होंने कंप्लीशन की, ये माल इन दोनों में से भी चवरी सर लिए क्लिक कर लेते हैं। हम करते हैं इसको दूसरे कलर में करते हैं, इसको हम येलो करते हैं। तो 5 जुलाई और 3rd जुलाई भी चवरी सर लिया 3, एंड 22nd जुलाई और 20th जुलाई भी चवरी सर लिया 20th जुलाई, एंड 25th जुलाई और 23rd जुलाई भी चवरी लिया, तो 3rd जुलाई 20th जुलाई एंड 23rd जुलाई। पहले 2, 3, 4 पूछा था ना, 3rd जुलाई एक ही में है, देखो बाकी ना देखो तो भी पता चल जाएगा, एक अगर आपको आता है तो बाकी के आराम से हो सकते हैं। ठीक है तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 16th केस स्टडी ओवर, अब हम चलते हैं आगे 17th केस स्टडी में। तो चलिए हम 17th केस सिनेरियो देखते हैं, अब आज का लास्ट जो केस सिनेरियो है, इससे पहले हमने 4 कर लिए हैं। ठीक है अब लास्ट केस सिनेरियो क्या कहते हैं, मिस्टर ए इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है सीए है। ठीक है हु इज सप्लाइंग द सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है इज अर्निंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एज फॉलोज। ठीक है ये अर्निंग है, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम ऑडिट एंड इंश्योरेंस कितना है, 186 लाख, तो ये टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है उसके बाद हमारा आ जाता है ये टैक्सेबल हो गई, उसके बाद है हमारा एक्टिंग एग्जामिनर और फ्रॉम द ICICI नॉट एंड ऑन देयर रोल्स द मंथ ऑफ जुलाई। ICICI ये भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है स्टडीज के रिलेटेड, गवर्नमेंट पार्लियामेंट सेटअप है, तो ये एग्जाम हो गई एग्जाम रिलेटेड है इनकी, तो ये एग्जाम सप्लाई हो गई। ठीक है उसके बाद क्या है, रेंटेड इनकम फ्रॉम ए हाउस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो ये भी टैक्सेबल है। ठीक है क्लियर, इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये सर्विसेज देंगे तो ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, फर्दर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिस्टर बी परचेज 10 कंप्यूटर्स एट ए प्राइस ऑफ 25,000 ईच, ठीक है फॉर हिज ऑफिस एज न्यू स्टाफ हैज बीन रिक्रूटेड बाय हिज HR टीम एंड हैड अवेल्ड यूटिलाइज द ITC ऑन द सेम। ठीक है 10 कंप्यूटर खरीदे जिन पर ITC यूटिलाइज भी कर लिया है। ठीक है अब क्या किया इन्होंने, On 31st October, out of these 10 computers, Mr. A shifted 2 computers at his residence for his son for learning purpose. दो इन्होंने शिफ्ट कर लिए बिजनेस से, ठीक है तो ये सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ओपन मार्केट वैल्यू जो भी है, तो 10,000 है एक कंप्यूटर की, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 दो कंप्यूटर्स की। ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं, मिस्टर ए बिलेटेड फाइल, ठीक है GST 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बाई 5 days। ठीक है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, दिसंबर की 10 लाख, एप्लीकेबल रेट 18%। ठीक है नोट क्या है, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है उसके बाद ओपनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द लेवन इज नील द सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैज बीन फुलफिल्ड। ठीक है देयर इज नो अदर इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन। ठीक है चलिए इनके बेसिस पे हमें आंसर करने हैं 17.1 to 17.5। ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17.1, अज्यूमिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 19-20, ठीक है, मिस्टर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर अंडर जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ क्या बोलता है, कितने टाइम के लिए मेंटेन करनी पड़ती है, 72 मंथ्स, ठीक है, 72 मंथ्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. तो 1920 की एनुअल रिटर्न फाइलिंग कब होगी हमारी, ये होगी 31/12/2020, तो यहाँ से 6 ईयर, 72 मंथ्स, तो ये हमारा हो गया 31/12/2026, तो बी शुड बी द आंसर, ठीक है, इजी था क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर बताना है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट, तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये 186, के, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा 186 लैक्स है, कैसे जोड़ लेते हैं 250, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में तो आता ही एग्जाम सप्लाई, एंड फिर आ गया हमारा 13,90,000, ये सबको ऐड करेंगे और आगे हमारी 20,000 के वो कंप्यूटर सेल हुए हैं, इन सबका टोटल कर लेंगे अगर हम, तो देखते हैं क्या आंसर आता है. 186 + 250 + 1390 + 20,000, तो ये आंसर आया है हमारा 202,640, ये हमारा आंसर आया एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर. हम आंसर देखते हैं हमारा पीछे क्या है, ऑप्शन है ये 202,640, ये रहा सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो सेकंड में हमारा जो आंसर है वो ये है 202,600. अब क्या निकालना है हमको, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फॉर मिस्टर ए ऑफ मिस्टर ए फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. चलो देखते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है ना, तो ये टैक्सेबल में नहीं आएगा, एग्रीगेट में तो आ गया था, ये टैक्सेबल में ही आएगा, तो इसको अगर हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये 202,640 - 250, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा वोट का 200,100, तो ये आंसर जो है हमारा ऑप्शन वो टिक कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर है, ठीक है. अब चलते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई अंडर जीएसटी, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय एग्जामिनर सर्विस, ये सप्लाई तो है बट एग्जेम्प्ट है. डेंटल इनकम इज नॉट, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, नहीं, ये भी सप्लाई मानी जाएगी. शिफ्टिंग ऑफ कंप्यूटर एट होम फॉर पर्सनल पर्पज एज देयर इज नो कंसीडरेशन, ये भी सप्लाई मानी जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू में. तो डी जो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस, सभी सप्लाईज हैं. अब लास्ट में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट लाइबिलिटी. सबसे पहले तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो लास्ट पैरा जो था. तो 10 लाख का 18% कितना होगा, 1,80,000 जीएसटी जो बनेगा, और 5 डेज लेट है 365, तो 1,80,000 का 5 / 365 और पेनल्टी क्या है, तो 444 रुपीज, इसका 18%. तो ये आएगा हमारा 444 रुपीज, ठीक है. तो हमारी जो पेनल्टी बनेगी वो कितनी बनेगी, 444 रुपीज, बट कहाँ से पे की जाएगी, ये पे की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से. इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो बनेगी हमारी, इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनेगी पे की जाएगी कैश, तो इनको टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से तो नहीं पे होगी. इंटरेस्ट 4,000 कैन नॉट यूटिलाइज इनको टैक्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ही नीड्स टू पे द इंटरेस्ट इन कैश. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे होती है लाइबिलिटी, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट.
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन ये गलत है, ये अमाउंट ही गलत है, ठीक है। इंटरेस्ट लाइबिलिटी 444 आएगा, तो ठीक है। हमारे सारे क्वेश्चन जो थे ठीक थे, और हमारी 17th केस स्टडी यहाँ पे ख़त्म हो गई, और हमारा आज का टारगेट कंप्लीट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइकिंग दीज वीडियोज एंड दीज आर हेल्पफुल टू यू। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रीच मी ऑन 7357056585, इट्स माई नंबर, ठीक है। आज मेरा ये पेन टैबलेट थोड़ा ऐसे पता नहीं क्यों वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी हियर ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, व्हिच एवर इज वांट, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड यू कैन शेयर योर फीडबैक ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please subscribe our channel if you are liking this video, and I will keep sharing more videos of these 30 case scenario. After that we'll check whether. So guys, all the best for exams. Update sheet aa chuki hai, to apna potential se padhai kijiye, apna schedule plan kijiye, and give your best. And in case of any doubt, you can reach me over here. And please subscribe our channel if you are liking this video, and press the bell icon so you can get updated with every video we'll gonna upload on this channel. For your content related and for your studies related, ठीक है। So thank you so much, thank you.